आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो वरुण, आज का हमारा क्वेश्चन है, रोग की समाप्ति के पश्चात शरीर में विकसित प्रतिरक्षा को अक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, तो ये कथन सत्य है या असत्य है ये बताना है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, क्यों? ये समझते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में दो तरह का प्रतिरक्षा तंत्र होता है। ठीक है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, दो तरह से तंत्र होता है। सबसे पहला है सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरा क्या है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, ये हमारी बॉडी में मतलब जो एंटीबॉडी होती है जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी बोलते हैं। ठीक है, ये विकसित होते हैं, मतलब जब भी कोई सूक्ष्म जीव या कण हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इन्हें कहते हैं, इस प्रकार के प्रतिरक्षा को कहते हैं सक्रिय। तब हम क्या करते हैं, प्रतिरक्षी को या इम्यूनिटी को हम बाहर से शरीर में डालते हैं किसी दूसरे जीव से लेके या दूसरे मानव से लेके, तो इस प्रकार के प्रतिरक्षा को हम कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि रोग की समाप्ति के पश्चात शरीर में विकसित प्रतिरक्षा मतलब एंटीबॉडी हमारे शरीर में डेवलप हो रहा है तो इसको अक्रिय बोलते हैं। तो अक्रिय किसको बोलते हैं, इसको बाहर से डाला जाता है, इसीलिए हमारा कथन क्या है, असत्य है। अगर ये अंदर शरीर में विकसित हो रहा है तो वो क्या होगा, सक्रिय प्रतिरक्षा होगा, और शरीर बाहर से डाला जा रहा है तो वो निष्क्रिय होगा, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है कि विकसित होने वाले को अक्रिय बोल रहे हैं, तो इसीलिए हमारा ये कथन क्या है, असत्य है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।